दोस्तों यूं तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको कई बेहतरीन फिल्में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन 80-90 का दशक बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसा दौर माना जाता है जिसमें फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता फिल्मों में अभिनय कर खुद को एक अलग पहचान दिलाई है। और उनमें से एक नाम आता है डांसिंग और एक्टिंग स्टार मिथुन चक्रवर्ती का, जिन्होंने अपनी हर फिल्म से हर किसी को अपना दीवाना बनाया है। और उनमें से एक फिल्म है बिल्ला नंबर 786, जिसमें मिथुन दा ने एक कूली का किरदार निभाया है और इनके इस किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया था। यही वजह रही है कि अब इस फिल्म के सीक्वल के लाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म के सीक्वल को जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर लाया जाएगा, जहां हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर फिल्म की कहानी क्या होगी, फिल्म में कौन से स्टार कास्ट काम करते नजर आएंगे और फिल्म में क्या नया और सस्पेंस देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप भी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही दमदार अभिनेता के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साल 2000 में आई फिल्म बिल्ला नंबर 786 एक्शन ड्रामा मूवी रही है, जिसे इमरान खालिद द्वारा डायरेक्ट किया गया था और फिल्म के निर्माता थे सलीम खान। फिल्म में संगीत दिया है लव कुश ने, जहां इस फिल्म में मिथुन दा का किरदार एक कूली का होता है। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के अलावा सिद्धार्थ भवन, मोहन जोशी, कादर खान और ऋतिका सिंह जैसे कई दमदार कलाकार अपने अभिनय से हर किसी का दिल जीते हुए नजर आए थे। इस फिल्म में मिथुन दा के दमदार एक्शन स्टंट ने हर किसी को हैरान कर दिया था। अपने एक्टिंग के लिए मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म में अपने बेहतरीन किरदार से हर किसी को अपना दीवाना बनाया। साथ ही फिल्म में सभी कलाकार अपने अपने किरदारों से काफी प्रसिद्ध हुए और ये फिल्म उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही थी। लेकिन अब इस फिल्म के सीक्वल को लाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजकुमार हिरानी, जिन्होंने हाल ही में ये जानकारी दी है कि इस फिल्म के सीक्वल को जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर लाया जाएगा, जिसमें कई बेहतरीन कलाकार काम करते हुए नजर आएंगे। साथ ही फिल्म की कहानी में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एडिटिंग भी देखी जा सकती है, जहां उन्होंने बताया कि फिल्म स्टार कास्ट के तौर पर बतौर एक्टर यूथ आइकॉन टाइगर श्रॉफ को अप्रोच किया जाना है, जो फिल्म में एक कूली का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं जहां एक्टर के तौर पर टाइगर श्रॉफ को कास्ट किया गया है, तो वहीं इनके अपोजिट अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को अभिनय करते हुए देखा जा सकता है, जहां इनकी जोड़ी बागी के सीरीज में दर्शकों को बेहद पसंद आई है। अब डायरेक्टर राजकुमार हिरानी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस जोड़ी को लोग इस फिल्म के सीक्वल में भी पसंद करें। फिल्म में इन दोनों कलाकारों के अलावा कई और नए चेहरे भी जुड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बात करें फिल्म में विलन की, तो आपको बता दें फिल्म में साउथ एक्टर सुदीप अपने विलन गिरी से हर किसी को डराते हुए नजर आएंगे, जहां उन्हें हाल ही में फिल्म दबंग 3 में बिल्ला सिंह का किरदार निभाते हुए देखा गया है और इस किरदार से इन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया था, जिसके बाद इस फिल्म में इन्हें ही अप्रोच किया गया है। वेल, अब देखना यह भी बेहद इंटरेस्टिंग रहेगा कि फिल्म का टीजर और ट्रेलर कब रिलीज किया जाता है और इस फिल्म के शेड्यूल पर कब तक काम शुरू होता है। कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि इस फिल्म के शेड्यूल पर इस साल के अंत तक काम शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती की जगह टाइगर श्रॉफ को अभिनय करते हुए देख कैसा लगेगा? क्या टाइगर श्रॉफ कूली का किरदार बेहतरीन तरीके से निभा पाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।